देखिए, नामांकन पत्र जो है आज मैं आया हूँ, सब मित्रों से बातचीत करेंगे, सबकी क्या राय है, उसके अकॉर्डिंग टू सब फैसले होंगे। इतने मैं अभी आते जो क्या कह सकता हूँ, इतने कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस वर्तमान हालात में हम लोग चल रहे हैं, उसमें एक तरफ राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी पैदा हो गई है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा भी देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, उसको लेके पूरा मुल्क चिंतित है। और देश को कांग्रेस मजबूत कैसे हो, ये अब देशवासियों को चिंता होने लग गई है कि कांग्रेस प्रतिपक्ष के रूप में मजबूत होनी चाहिए पार्टी, और उनका इरादा है कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने का। इसलिए उस माहौल में हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोगों के लिए जो फैसले करेंगे वो फैसले करेंगे कि हमारे हर फैसले से कांग्रेस मजबूत हो, ये मेरा देह है। आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है, पिछले 40 साल 50 साल में पदों पर ही हूँ, मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं। मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। लेकिन गांधी परिवार का विश्वास आप पर है और कहा ये जा रहा है कि आपको अध्यक्ष पद, गांधी परिवार का तो है ही है, जितने कांग्रेस जन है उन सबके परिवारों का विश्वास मेरे पर ही है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेसजनों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास मेरे पर है। जो आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊँगा। जहाँ मुझे कहेंगे, अगर मुझे फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भरूँगा, लोग हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूँगा। जहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूँगा, क्योंकि मैंने पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात नहीं है, अब तो मेरे लिए यह है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद लूँ ही नहीं। मैं राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हूँ। जो हालात देश के अंदर है, जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये मानना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे हैं लोग, अब हमारे लिए पद की क्या बात है, बिना पद भी सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। इसलिए आज अगर मान लो पार्टी के लोग चाहते हैं कि नहीं, मेरी जरूरत है मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, तो मैं मना नहीं कर सकता, ये मेरी धारणा है। गहलोत साहब, आपने कहा जो जिम्मेदारी दी जाएगी आप उसको निभाएंगे, अगर कहा जाएगा नामांकन भरने के लिए तो वो भी भरेंगे, लेकिन इसके साथ ही एक ये भी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति एक पद जो आपके ही राज्य में रेजोल्यूशन पास किया गया था, तो क्या उस पर क्या उन्होंने पास किया है? एक नॉमिनेट होते हैं वो दो पद होते हैं, जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो दो पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते हैं राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री रहेंगे आप? नहीं, रहना नहीं रहेगी बात में नहीं कर रहा हूँ, वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे को मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो दोनों पद आप संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष? मैंने कहा ना आपको, मैं जहाँ भी रहूँ, एक पद पे, दो पद पे, तीन पद पे, कहीं पे भी नहीं, तो मुझे ऐतराज नहीं होगा। मेरी इच्छा तो ये रहेगी अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूँ। अब मैंने बहुत पद संभाल लिए, अब मैं मैदान में उतरूँ, राहुल गांधी के साथ दौरे करूं, यात्रा करूं, जनता का आह्वान करें, हम लोग देश भर के लोगों का आह्वान करके हम लोग सड़कों पर लाएं, और ये जो फासिस्टी लोग बैठे हुए हैं इनके खिलाफ में हम लोग मोर्चा खोलें, ये मेरी हार्दिक इच्छा तो ये है। मेरी इच्छा क्या काम आएगी,
क्योंकि मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है। आज अगर पार्टी संकट में है इनके कारनामों से, कोई हमारे गलतियों से नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शासन जो था सोनिया गांधी जी के साथ में बेमिसाल था, वो कोलगेट, टू जी स्पेक्ट्रम, लोकपाल, वो कहाँ से लगे, वो कोई नाम ले ही नहीं रहा है, बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, चुनाव जीत गए लोग धर्म के नाम पर। आज जो स्थिति देश की है उसमें कांग्रेस मजबूत होना जरूरी है, और कांग्रेस की मजबूती के लिए जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। शशि थरूर से आपका मुकाबला हो सकता है, कैसे देख रहे हैं आप इस टक्कर को, लोग बड़े दिलचस्पी से देखो। मैं तो ये मुकाबले तो होने ही चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी होनी चाहिए, तभी तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि इस पार्टी में डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। कब तो राजनाथ सिंह जी बन गए, कभी अमित शाह जी अध्यक्ष बन गए बीजेपी के, और कब बन गए नड्डा साहब बन गए। कोई चर्चा होती देश के अंदर? हमारा सौभाग्य है कि देश का मीडिया सिर्फ कांग्रेस की चर्चा करता है। हम आपको बहुत आभारी हैं आप लोगों के कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है जिसे त्याग बलिदान और जो है कुर्बानी है, आज़ादी के पहले की आज़ादी के बाद की भी आज भी लोग याद कर उनके जहन में है। इसलिए आज मीडिया वाले देखते हैं कांग्रेस, हालांकि वो गोदी मीडिया होगा, दबाव में होगा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई होगा, उसके बाद भी उसके दिल के अंदर ये है ये पार्टी मजबूत रहनी चाहिए, हमारी मजबूरी है कि हम गोदी मीडिया बने हुए हैं। पर कांग्रेस का जो आज़ादी के पहले का आज़ादी के बाद का इतिहास है वो किसी कीमत पर रिकॉग्नाइज होना चाहिए देश के अंदर। इसलिए आज मीडिया हमारा चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव किसी की रूप में साथ देते देता हूँ आपका आभार। राहुल जी को आखिरी बार आप मनाने जा रहे हैं, जो जा रहा हूँ मैं आखिरी बार जाके मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने प्रस्ताव रखा था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर 4-5 दिन पहले कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष स्वीकार करना चाहिए, अभी हमारी इच्छा है। एज ए कांग्रेस अध्यक्ष वो यात्रा करते हैं तो और ज्यादा एक और बनेगा पार्टी का, मेरा मानना है। तो मैं जाके उनसे और बात करूँ, एक बार और प्रयास करेंगे, उसके बाद में मैं तय करूंगा, तब मैं आपसे मिलूंगा। नॉन गांधी प्रेसिडेंट होगा तो गांधी परिवार की क्या भूमिका होगी, आप उनसे पूछिए, मुझे क्यों बता रहे हैं? ऑफिस एंड प्रॉफिट, एक सवाल, ऑफिस एंड प्रॉफिट लागू नहीं होगा? ऑफिस एंड प्रॉफिट जो होता है दो पदों पे रहने का मामला, क्योंकि लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि फिर जिम्मेदारी राजस्थान की कौन संभालेंगे मुख्यमंत्री पद का, अगर आप अध्यक्ष। आज के दिन तो मैं हूँ, आगे तो मैं हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप कहाँ लेके आ गए? दो पदों पे रहने का जो मसला होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री। हाँ, मैंने आपको कहा ना, ये जो पार्टी चुनाव हो रहा है ये तो ओपन सबके लिए है, मेरा जवाब हो गया। सर, सचिन पायलट भी कोची पहुंचे हुए, समझदार व्यक्ति तो समझ गए होंगे मेरी क्या। चलो सर, पायलट साहब भी कोची पहुंचे हुए, आप भी जा रहे हैं तो चर्चा है कि क्या राजस्थान का फैसला कोची में होगा।